अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है, अभी सुबह के 10:30 बज चुका है और अभी हम पहुंच गए हैं। आज तो थोड़ा पहले ही आ गए थे ऊपर साई पे, तो अभी हम यहाँ ऊपर साई पहुंच गए। तो आज मैं और आरखे हम दोनों ही आ रखे हैं, क्योंकि सलोनी और नान काम जा रखे हैं कॉलेज और नानी की स्कूल होगी, तो मैं और मम्मी आ रखे हैं। बाकी इनको अभी यहाँ बाहर पे बांध दिया है और घास भी इन्होंने खाई लिया है। और अभी मेरी माँ जी जा रखी है ऊपर साई में, क्योंकि ना हमारी साई का एक थोड़ा मतलब जो अंदर की साई तो पासा बोलते हैं वो थोड़ा सड़ा हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत उसमें ना पानी आ रहा है और पानी आने से ना थोड़ा सड़ा है, तो उस वजह से ना ऊपर पूरी साई में हमने पन्नी डाल रखी है। तो अभी मम्मी उसी को ठीक करने के लिए जा रखी है और एक दो पन्नी और लेके गई है, तो अभी उसी को सही कर रही है। बाकी ये देखो यहाँ जा रखी है मम्मी इसको सही करने के लिए। और लगातार आ गई सुबह से ना बारिश ही आ रही है, सुबह के टाइम पर थी लेकिन उसके बाद थोड़ा रुक गई थी, लेकिन अभी फिर से बारिश आनी शुरू हो गई है। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच ही गए हैं, थोड़ा अंदर पे ना आग जलानी है, क्योंकि आजकल सही होता है अगर अंदर पे आग जलाएंगे। तो अभी मैं थोड़ा आग उग जलाऊंगी अंदर कि यहाँ हमारे कपड़े, तो यहाँ अंदर भी ना काफ़ी ज़्यादा गीला हो रखा है, क्योंकि ना यहाँ से पानी टपक रहा है इधर वाली साइड, तो जो ना ये वाला बांसा है ना इससे पानी आ रहा है, मतलब ऊपर से थोड़ा ख़राब हो रखा होगा तो इससे ना पानी आ रहा है, और जिससे यहाँ नीचे देखो इतना सारा गीला हो रखा है। और यहाँ पे हमने एक डोंगा लगा रखा है जिससे कि पानी टपकेगा तो सीधे उसी में गिरेगा। बाकी इधर की साइड तो उतना नहीं है, बस यहीं पे था, तो मम्मी ने अभी उस पर पन्नी डाल दी होगी ऊपर। इधर की साइड ना जहाँ पे हमारा कालू रहता है उधर की साइड या नीचे वाली दीवार के वहाँ पे ना एक बासा भी सड़ रखा है, वहाँ पे भी थोड़ा पानी आ रहा है, लेकिन ऊपर की साइड से थोड़ा सही है। हमने मतलब पूरे उसमें ऊपर पन्नी डाल रखी है, तो अभी मम्मी उसी को सही कर रही है। तो अभी मेरे को जलानी है आग, बाकी मैंने यहाँ पे सफाई कर दी है। तो आज मैंने बाहर पे भी करी थी सफाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घास घूस और रखा था, तो यहाँ पे भी मैंने सफाई कर दी है। और मौसम देखो नीचे की साइड से चमन से कोहरा लग गया है। जहाँ पे आज हमने घास निकालना है और घास भी लगाना है, तो खड़वा बोलते हैं जिसको, तो उसको हमें आज अपने खेत में लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे ना चौलाई बो रखा था, तो यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा मतलब अच्छी फसल नहीं होती है, ज़्यादातर खट्टी होती है, जो कि छोटा छोटा गुड़ाई के टाइम पे आपने देखा होगा, मैंने ब्लॉग बनाया था। तो दुनिया भर का वही होता है, अनाज तो कुछ होता नहीं है, बाकी घास तो होता ही है, मतलब ऊपर की साइड नीचे की साइड तो घास होता है, लेकिन बीच में अनाज के तौर पर कुछ भी नहीं होता है। तो अभी मैं और मम्मी यहाँ पे आ रखे हैं, तो मम्मी चले गई है यहाँ, तो इस वाले खेत में अभी हमने ना ये देखो यहाँ पे बीच में हो रखी है चौलाई, बाकी इधर की साइड भी थोड़ा दाल हो रखी है और उधर की साइड भी थोड़ा दाल हो रखी है, तो पहले हमने वहाँ पे घास निकालना है और उसके बाद हम थोड़ा घास लगाएंगे। देखो गांव में ना थोड़ा हल्की सी धूप लगी हुई है और अभी थोड़ी देर पहले तक बारिश आ रही थी, लेकिन अभी थोड़ा मौसम सही हो रखा है। तो फिलहाल अभी खेत में चलते हैं, तो मैं वीडियो बनाने के लिए इस बड़े वाले पत्थर पे आ रखी थी, क्योंकि यहाँ से काफी मस्त व्यू दिखता है। ऊपर की साइड तो खैर बादल लगे हुए हैं, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं अपने खेत में, और जो ये वाले खेत है ना ये सारे लोगों ने ना बंजर रखे हुए हैं, और एक ही और दो चार ना इधर की साइड भी हैं यहाँ पे, तो इधर की साइड ये सारे खेत बंजर रखे हुए हैं, और इतना बड़ा खेत देखो एक यहाँ पे भी है, तो ये वाला और एक यहाँ ऊपर वाला ये भी बंजर ही रखा हुआ है। बाकी ऊपर की साइड यहाँ पे हमारा खेत है, यहाँ पे हमारा एक ही खेत है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, तो हम सोच रहे थे कि हम भी यहाँ पे घास लगा देंगे और फिर देखेंगे, घास ही तो होगा, मतलब अनाज तो कुछ होता नहीं है, जंगली जानवर तो कुछ
रखते ही नहीं है, तो घास ही लगाएंगे और घास ही होगा। तो यहाँ पे देखो हमने चौलाई, इसमें हमने ना दो बार गुड़ाई करी थी, तो इसमें ये देखो कुछ भी नहीं हो रखा है, दुनिया भर का गर्दा ही जम रखा है। और बीच पे ना यहाँ पे थोड़ा इसमें कल परसों काम हुआ रखी थी, तो काम ने ना यहाँ पे घास निकाला होगा, तो थोड़ा यहाँ पे अच्छा हो रखा है, बाकी उधर की साइड भी ऐसी हो रखा है घास घास। तो ये कट्टे में है घास और कुदाल, तो इस घास को हमने यहाँ पे लगाना है। बाकी पहले हमने ना यहाँ का घास निकालेंगे जो बीच में हो रखा है। तो मम्मी अभी नीचे की साइड वाला घास निकाल रही है और उसके बाद बीच वाला घास निकालेंगे और फिर लगाएंगे ये वाला घास। सो मैं तो आपको थोड़ी देर में, थोड़ा अपना काम कर लेते हैं। शाम के बज चुके हैं 5 और अभी हम साड़ी चूड़ी पहन के हम रील्स बनाने के लिए तैयार हो रखे हैं। और एक इधर सीढ़ियों की साइड भागी, तो ये देखो यहाँ पे ये रही गोलू। तो अभी नानी ने भी साड़ी पहनी है, मैंने, नानी और सलोनी ने, हम तीनों ने पहनी हुई है। और अभी हम थोड़ा एक दो रील्स बनाएंगे और उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। और आज नानी नानी को मैंने तो नानी का आज बर्थडे है, तो आज मैंने ना सुबह से नानी को विश नहीं किया था, बाकी जिस टाइम मैं उठी उस टाइम को नानी चले गई थी स्कूल, तो दिन में हुई उसकी छुट्टी 1 बजे हुई थी। तो अभी देखते हैं शाम को केक वगैरह तो पापा से मंगा दिया है, बाकी अब देखते हैं कि पापा भी कितनी देर में आते हैं, क्योंकि क्या पता अगर पापा जल्दी आ जाएंगे तो हमको उस दिन की तरह थोड़ा फटाफट से मतलब रील्स बनानी पड़ेगी। और ये देखो यहाँ पे मेरे को बोलने के लिए आ गए दोस्तों, मैं इसको पूरा बताती हूँ। तो अभी हमारे ना ये देखो लुक, मैंने चप्पल पहन ली, मैंने भी तो चप्पल पहन रखे हैं। तो आज मैंने मम्मी की ये वाली साड़ी पहनी है, तो मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है। बंदरी अभी हम एक दो रील्स बनाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको, क्योंकि अभी ना बारिश भी नहीं आ रही है, क्योंकि आज दिन भर ऐसे ही हो रहा है। सुबह को जब हम ऊपर थे तो उस टाइम काफी तेज बारिश आई थी। उसके बाद थोड़ा धूप लगी थी, लेकिन जैसे ही मैं घर पे पहुंचे, घर पे खाना वाना बनाया, मतलब दिन भर में ऐसी हो रहा है, किसी टाइम अच्छी धूप लग रही है और किसी टाइम तेज से बारिश हो रही है। तो आज वही था, मतलब धूप तो उतनी खास नहीं थी लेकिन बारिश लगातार आ ही रही है, तो अभी मौसम काफी बढ़िया हो रखा है। तो अभी बना देते हैं, हम एक दो रील्स बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 7:30 और अभी हम बना रहे हैं नानी के बर्थडे के लिए पकौड़े, क्योंकि आज ना हमने बोला था कि पापा लेके आएंगे केक, फिर पापा भी नहीं लेके आए, मतलब ऐसे ही हुआ, मेरे बर्थडे के दिन भी वैसे ही हुआ, कामों के भी और नानी के भी। तो अभी हम बना रहे हैं पकौड़े, यहाँ पे देखो प्याज की पकौड़ी बना रहे हैं हम आज। तो अभी लाल पकौड़ी बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी हमारी पूरी पकौड़ी भी बन गई है, बाकी अब हमने खाली रोटी बनानी है, क्योंकि दाल भी बना दी कामू ने और दलिया बना रहा था कामू ने,
और वो दलिया हमने घर ही पे पिसा है, नहीं कर यार मुंह। बोल क्या। और ये अभी ना मेरी पकोड़ी चूर चोरने के लिए आ रही, वो भी चूरे बचे हैं ना, तो मैं उन्हीं को खा रही हूँ। बाकी ये खा रहे हैं अभी पूरी, तो मेरे को बोला मेरे को मत दिखाना क्योंकि अभी मैं खा रही हूँ तो नहीं दिखाऊंगी। बाकी अभी थोड़ा पकौड़ी खा लेती हूँ और उसके बाद बनानी है हमने रोटी। और दाल तो बन गई है, बाकी दलिया भी बन गया है। सो मिलते हैं आपको सीधे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक कहीं जाना मत, ठीक है कहीं जाना मत और मेरा इंतजार करना तो मैं ऐसे चूरे खा रही हूँ बड़ी बड़ी। सो अब हम रोटी बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपको, कल ही मिलेंगे। खैर बाय बाय। अभी हमारा खाना भी हो गया है और टाइम अभी 10:30 बज चुका है। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो ऐसे ही ब्लॉग के साथ मिलते हैं आपको सीधा अपने कल के नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।